आई एम डॉक्टर पवन, सीनियर रेटना कंसल्टेंट एट I7 हॉस्पिटल। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जो ये यंग बच्चे रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं, जो अपना चश्मे का नंबर हटवाना चाहते हैं, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसका नाम है सिल्क। सिल्क का मतलब हुआ स्मूथ इंसीजन लेंटिकुल केराटोमिलियस। इसमें कोई फ्लैप नहीं बनता और ये बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में रेटिना के एग्जामिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम इसमें बात करेंगे। वैसे तो कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर हो, सब पेशेंट्स के अंदर हम एक रेटिना एग्जाम करते हैं, बट आज हम फोकस करेंगे कि सिल्क के पेशेंट्स के लिए ये रेटिना एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई इंटरवेंशन हम किसी भी आई के अंदर करना चाहते हैं, तो एक जो सबसे पहला स्टेप होता है कि आई की हमारे पास एक फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो कि आई में प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज या उसकी क्या कंडीशन है, सो हम पेशेंट्स के लिए एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस कर सकें। तो रेटिना के अंदर, या जिसको हम कहें कि आँख का जो पीछे का हिस्सा होता है, या कई लोग उसको आँख का पर्दा भी बोलते हैं, उसके अंदर हमने आपका आँख का पर्दा और जो पीछे की नस है जो हमारी आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, एक बार जो हमारी इमेज बन जाती है वो उस ऑप्टिक नर्व या आँख की नस के थ्रू वो हमारी ब्रेन को कम्युनिकेट होती है। तो ये दो चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में एग्जामिन करनी होती हैं कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर करने से पहले। तो इसमें हमने देखना होता है जो हमारा एक सेंट्रल एरिया है, जहाँ पर जो नज़र की सबसे ज़्यादा ताकत होती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार पर्दे के ऊपर खिंचाव होता है, या बारीक नज़र के हिस्से के ऊपर पर्दे में होल हो सकता है, या जो हमारा ये पर्दा है ये 10 लेयर्स का एक के ऊपर एक करके बना होता है, वो पर्दे के अंदर एक स्प्लिटिंग भी हो जाती है किसी किसी केस में, उसको हम कहते हैं मायोपिक रेटिनोशाइसिस। तो ये सारी कंडीशन भी हमें सर्जरी से पहले इवेलुएट करनी होती हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, एक जैसे हम पेशेंट को स्लिट लैंप पे बिठा के या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से एग्जामिन करते हैं, और जिस जिस पेशेंट में हमें लगता है कि भाई इस पेशेंट में ये कंडीशन होने के चांसेस हैं, उनको फिर हम एक फर्दर टेस्ट कराते हैं, जिस टेस्ट का नाम है OCT। OCT का मतलब हुआ ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी। ये इन्वेस्टिगेशन से हमें आपके रेटिना की लेयर बाय लेयर एनालिसिस मिल जाती है, और हम पेशेंट्स को एक उसके पर्दे के बारे में एक बेटर क्या कंडीशन है वो बेटर तरीके से हम समझा सकते हैं, और ये सिल्क होने के बाद उसका विजुअल आउटकम, उसकी नज़र कैसे आएगी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पेशेंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई आपका सर्जिकल आउटकम कैसा रहेगा। दूसरा हमारा इसमें होता है पेरिफ्री ऑफ रेटिना। पेरिफ्री ऑफ रेटिना का मतलब हुआ कि जो रेटिना का एकदम कोने वाला हिस्सा है, जो एकदम आखिरी छोर है, वहां पर इन बच्चों में जो है वो दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। पहले तो इसमें हम एक आई ड्रॉप डाल के आपकी जो प्यूपल है या पुतली उसको फैलाते हैं, उसके बाद ये है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना। तो इससे हम जो आपका बारीक नज़र का हिस्सा है जिसको मैकुला कहते हैं, वो भी हम एग्जामिन कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक इससे हम आपकी पेरिफ्री भी एग्जामिन कर सकते हैं। ये अब हम स्लिट लैंप मेथड से पेरिफ्री देख रहे हैं, इधर देखिए, दूसरी तरफ देखिए, सामने, ऊपर, नीचे। अब ये एक एक करके हमने दोनों आई इनकी एग्जामिन कर ली हैं। तो ये है हमारा स्लिट लैंप मेथड। एक होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, इससे भी हम रेटिना को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंट को हम एक टारगेट देते हैं देखने के लिए, जो उसका थंब जैसे हमने दिया हुआ है इस पेशेंट में, और फिर पेरिफ्री जो रेटिना की है वो इससे हम, तो ऐसे बारी बारी हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी रेटिना की पेरिफ्री एग्जामिन कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जिन लोगों में ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम करते हैं, उन लोगों को माइनस का नंबर होता है। तो जिन भी पेशेंट्स में ये माइनस का नंबर होता है, तो इन मरीजों के अंदर पर्दे के अंदर कुछ वीक स्पॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो वो हम एक पेरिफेरल रेटिनल एग्जामिनेशन के द्वारा हम देखते हैं कि भाई किस किस पेशेंट के अंदर ये पर्दे के अंदर कोई सुराख है या कोई वीक एरिया जिसको हम लैटिस बोलते हैं वो बना हुआ है,
और जिन पेशेंट्स में हमें ये वीक एरिया या पर्दे के अंदर सुराख मिलता है उसको हम ये सिल्क से पहले या रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले उसका एक हम लेज़र बराज करते हैं। ये लेज़र बराज जो है ये कोई ऑपरेशन नहीं है, तो पेशेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर्जरी से पहले एक और ऑपरेशन होगा। ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें बस पेशेंट को एक नॉर्मल स्लिट लैम्प पे हम बिठा के एक हल्की सी ग्रीन लाइट लगाते हैं जिससे जो वीक एरिया है उसको चारों तरफ से हम सील कर देते हैं। अब इस लेज़र से या जो वीक एरिया है उसको ट्रीट करने का फ़ायदा ये है कि आपकी पर्दे की वजह से फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेज़र से उस एरिया को हम सील कर देते हैं जिससे पर्दे के पीछे आँख का पानी ना जा सके और चांसेस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट जो हैं वो आपके काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकें। दो चीज़ें हमने मेनली इसमें देखनी होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पर्दे का सेंट्रल एरिया है जो हमारी नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, एक पर्दे में जो पेरिफ्रल रेटिना है वो देखना है। तीसरी चीज़ जो हमें रूल आउट करनी होती है कि कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि उनकी नज़र कम होती है कि कोई उनको पैदाइशी बीमारी तो नहीं है पर्दे के अंदर, तो वो हम एक तीसरी चीज़ हम रूल आउट करते हैं। उसमें जो कॉमनली फाउंड डिजीजेज हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या स्टारगार्ड वगैरह कुछ हो, तो वो एक तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि इन दोनों के अलावा कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो बच्चे को काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही है। तो ये इम्पॉर्टेंस है रेटिनल एग्जामिनेशन की, और ये हम हर पेशेंट का जो हमारे पास आते हैं हम सबका करते हैं जिससे हम उनका रिजल्ट और उनको जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड कर सकें। फोर्थ इज जो हमारा ऑप्टिक नर्व और ब्रेन का मैंने आपको कनेक्शन बताया, उसके अंदर हमने देखना होता है कि ऑप्टिक नर्व में कोई नस पीली तो नहीं हो रही, कोई उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से कोई डैमेज तो नहीं है और वो अपना पूरा फंक्शन कर रही है। इसमें जिन जिन पेशेंट में अगर ज़रूरी होता है तो विजुअल फील्ड एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें एक कंप्यूटर स्क्रीन पे हम पेशेंट्स को लाइट दिखाते हैं और उन्होंने एक बटन दबाना होता है, ये भी बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। उससे हमें उनके ऑप्टिक नर्व के फंक्शन के बारे में पहले से ही काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। तो ये जो दो इन्वेस्टिगेशन हमने बताई हैं आपको, एक OCT और एक विजुअल फील्ड, ये हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होती। ये हम पहले पेशेंट का एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगती है वहीं वहीं पर हम इनको एडवाइस करते हैं। तो होपफुली ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है इससे आपको पता लग गया होगा कि एक आई की पूरी एग्जामिनेशन किसी भी सर्जरी से पहले, स्पेशली जब हम ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी जा रहे हैं और जो लेटेस्ट आजकल सिल्क चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हर पेशेंट को हम I7 हॉस्पिटल में करते हैं।